बाराबंकी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के नेतृत्व में बाराबंकी में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अंतर जनपदीय गैंग के नवयुवा तस्करों को जैतपुर SHO धर्मेंद्र कुमार सिंह रघुवंशी ने गिरफ्तार कर तस्कर गैंग के कब्जे से पुलिस टीम ने 2.25 किलो 25 ग्राम माफिन बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 7.30 करोड़ बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त 2 कार और मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है। तस्करी करने वाले नव युवा LLB के छात्र बताए जा रहे हैं। तस्करों द्वारा मणिपुर के क्रूड लॉकर माफिन तैयार कर दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ, अयोध्या, गोंडा आदि में सप्लाई करने के साथ पश्चिमी यूपी में सप्लाई करने के साथ इनके विदेशों से भी तार जुड़े हैं, जिसे लेकर पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। नवभारत समाचार, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। जनपद बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में जयपुर पुलिस और CO के नेतृत्व में पूरे एक गैंग पकड़ा गया है। 7 तस्कर हैं इसमें शामिल और ये पकड़े गए हैं। इनके पास से 2 किलो 525 ग्राम मॉर्फिन बरामद हुई है। ये इसकी जो वैल्यू है, कीमत, वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए की है। ये लगातार इस क्षेत्र में कलेक्ट करते थे, माल को लाते थे, उसके बाद क्रूड माल को मॉर्फिन बनाते थे। मॉर्फिन बनाने के बाद ये पश्चिमी यूपी और लोकल में सप्लाई करते थे। इसमें मूल रूप से ये मणिपुर राज्य से इस बार लाए थे क्रूड माल, उसको रिफाइन करके तैयार किया था मॉर्फिन को। उसके बाद ये हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, सोनभद्र और उसके बाद लखनऊ, अयोध्या, गोंडा आदि स्थानों पर भी ये सप्लाई कर रहे थे। इनके पास से 4 पहिया मारुति वैन और वैगनआर मिले हैं, दो मोटरसाइकिलें मिली हैं, जिसे ये लगातार ले जा करके माल को सप्लाई करते थे। ये इसमें एक अतुल राय व्यक्ति है, वो विधि व्यवसायी भी है। इसके साथ मोहम्मद मुमताज सिद्दीकी, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद नईम, कल्लू बलवी उर्फ मोहम्मद मकसूद, ये सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी पता की जा रही है, अपने यहाँ से भी, अन्य जनपदों से भी। इसमें कुछ अपराधी वांछित भी हैं, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये लगातार इस क्षेत्र में ड्रग्स का काम कर रहे थे, अभी ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं और 7.5 करोड़ का माल इनसे रिकवर हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।